नवरात्रि का त्यौहार हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। आज नवरात्रि का आठवां दिन है, यानी अष्टमी पूजन है। अष्टमी के दिन माँ दुर्गा के महागौरी रूप की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि माँ महागौरी की विधि विधान से पूजा करने वाले भक्तों के सारे बिगड़े काम बन जाते हैं, साथ ही विभिन्न प्रकार के रोगों से भी मुक्ति मिलती है। माँ महागौरी के भक्त अष्टमी के दिन नवरात्रि के व्रत खोलते हैं और कन्या पूजन भी करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं माँ महागौरी की पूजा विधि और माँ महागौरी की कथा। माँ दुर्गा के आठवें रूप माँ महागौरी की पूजा करने के लिए भक्त सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें, उसके बाद पूजा स्थल की साफ सफाई करें। माँ महागौरी की मूर्ति को गंगाजल से साफ कर लें। माँ महागौरी को सफ़ेद रंग अति प्रिय है और इसीलिए पूजा में सफ़ेद रंग के पुष्प भी अर्पित करना बहुत शुभ माना गया है। इसके बाद माँ को रोली और कुमकुम का तिलक लगाएं, फिर मिठाई पंचमेवा और फल अर्पित करें। अष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा करते समय उन्हें काले चने का भी भोग लगाना चाहिए। अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन भी शुभ माना जाता है। इसके बाद आरती और मंत्रों का जाप करें। माँ महागौरी की पूजा से भक्तों को अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती है। आपको बता दें कि धार्मिक ग्रंथों में कन्या पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन करने से मनुष्य के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे देवी दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त होती है। जो विवाहित स्त्री माँ की पूजा करती है, माँ स्वयं उसके सुहाग की रक्षा करती है। यदि कोई कुंवारी कन्या भी माँ की पूजा करती है तो उसे योग्य पति की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा का ये स्वरूप माँ महागौरी का है। इस स्वरूप में माता का वर्ण गौर है। माँ महागौरी के वस्त्र और आभूषण भी सफ़ेद रंग के हैं। माँ महागौरी के भुजाएं हैं। माँ के चारों हाथों में त्रिशूल, डमरू, अभय और वर मुद्रा है। कहा जाता है कि माँ महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा का रूप है। मान्यता है कि माँ महागौरी ने दुनिया को बुरी ताकतों से आज़ाद कराया था। माँ महागौरी का वाहन बैल है। माँ महागौरी का स्वभाव बहुत शांत है और माँ महागौरी को शिव भी कहा जाता है। माँ महागौरी को संगीत बहुत पसंद है। माँ की उत्पत्ति की कथा माँ पार्वती से ही जुड़ी है। माता पार्वती की आठवीं शक्ति माँ महागौरी मानी जाती है। पुराणों के अनुसार माँ महागौरी का जन्म हिमालय में हुआ था। जब शैलपुत्री 16 वर्ष की हुई थी तो इस समय माता का रूप अत्यंत रूपवती था। इस समय इनका वर्ण गोरा था, इसी कारण इन्हें महागौरी कहा गया। लेकिन भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता ने कठोर तपस्या की थी। तपस्या करते करते एक बार भगवान भोलेनाथ पार्वती जी को देखकर कुछ कह देते हैं, जिससे देवी को अच्छा नहीं लगता। फिर पार्वती जी गुस्से से तपस्या में लीन हो जाती है। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती नहीं आती तो पार्वती को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुंच जाते हैं। फिर वहां पार्वती को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत काला हो जाता है। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर जी उन्हें स्वीकार करते हैं और माता के शरीर को गंगा जल से धोते हैं। इसके बाद देवी का शरीर कुंदन की तरह चमकने लगता है, जिसके बाद भगवान शंकर देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान देते हैं, जो बिजली की तरह एक प्रकाशमान है। माना जाता है कि अष्टमी के दिन ही माता ने चंडमुंड राक्षसों का वध किया था, इसलिए इस दिन की पूजा करना खास महत्व रखता है। अष्टमी के दिन को कुल देवी और माता अन्नपूर्णा का भी नाम दिया जाता है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।